हमने हर दिशा को फूलों से सजा बड़ी खुशी की बात है कि सभी छात्र एवं छात्राएं इस 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर 1 सितंबर 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो चौथा साल चल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की यह बात है कि ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर मात्र 3 साल में इतना बड़े जनसंख्या को सैलाब के साथ बैठा हुआ है। ये देखने को मिला कि जिस समय ब्रिलियंट कोचिंग 1 सितंबर को खुला था, वह समय 5 ही विद्यार्थी थे। पहले इसमें एक ही टीचर पढ़ाते थे, आज तमाम 5-5 टीचरों के साथ ही अब ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर चल रहा है। 3 साल तक तो हमने तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाया, लेकिन आज एक ही संस्था बनी हुई है कि नवलपुर में पहली संस्था है कि जो और सब्जेक्ट के साथ काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस 5 सितंबर के शुभ अवसर पर मैं आप लोग एक बात और बताना चाहता हूँ। ये बताया भी हूँ कि मेरे कोचिंग से जितने भी विद्यार्थी अगर 80% से ऊपर नंबर लाते हैं, तो मैं मंच से वादा करता हूँ कि मैं उन्हें 10,000 रुपया का इनाम दूंगा। अगर जो भी विद्यार्थी 75% से नंबर लाते हैं, 75% से ऊपर, उनको एडमिशन कराया जाएगा। एक बात है कि हमने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर राहुल कुमार को कुछ देने के लिए कहा था, लेकिन उस करीबन मैंने हरियाणा चले जाने के कारण हम चले गए, जिसके कारण 15 अगस्त का फंक्शन नहीं मन पाया। लेकिन आप लोगों के साथ 26 जनवरी को स्कूल में जो प्रोग्राम होगा, उसी के साथ उनके भेंट के रूप में जो सोने के मैंने हनुमान जी देने को कहा है, उनका गिफ्ट जरूर दिया जाएगा। राधा कृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी के तमिलनाडु के तिरुनानक नामक गांव में हुआ था। उनके पिता के नाम डॉक्टर वी रमन मणि था, उनके माता का नाम सीता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण की मात्र 15 वर्ष की ही आयु में एक 10 वर्ष की छात्रा जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, उनका नाम था शिवकामना, जिससे शादी हुआ था। उनके पिता जो एक कर्मचारी थे, दफ्तर में काम करते थे, वह ब्राह्मण परिवार के थे। उन्होंने मैट्रिक के पढ़ाई अपने गांव ही से की। बाद में के पढ़ाई के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। इतना मेहनत करने के बाद हर एक प्रत्येक क्लास में उनके स्कॉलरशिप सरकार के तरफ से मिली। उस स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने आगे तक बढ़ा और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किए। आज शिक्षक होते हुए भी इस देश को सेवा करने का उनका मौका मिला, जो एक बार राष्ट्र उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति का मौका मिला। इस शिक्षा में इतना दम है कि दुनिया के हर एक चीज आप पा सकते हैं। एक शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि दुनिया के हर एक मंजिल आपको मिल जाता है। वैज्ञानिक अरस्तु के द्वारा एक चीज बताया गया है कि जो व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, वह मरे हुए व्यक्ति के समान है। इस समय भी आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज है कि आज के भी दिन शिक्षा के उतना ही महत्व है जितना पहले था, क्योंकि पहले में भी लोग उतना ही जोश जुनून से काम करते थे। आज भी छात्र कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं। मैं उन छात्रों से जरूर कहूंगा कि आप लोग भी इस शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मेहनत कीजिए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जैसा बनिए। शिक्षक होते हुए भी उनको देश का सेवा करने का मौका मिला, आप में वो जज्बा हो, वो जुनून हो कि आप भी इस क्षेत्र में आए और देश से लेकर एक तो पहले एक बड़ी दान किए कि शिक्षा में काम किए, उसके बाद उन्होंने देश का सेवा करने का भी मौका मिला। आप भी वैसे करे कि आपको ये चीज मंजिल प्राप्त हो। और इस चीज के लिए मैं माँ सरस्वती से ही कामना करूंगा कि आप लोग उज्ज्वल करे दिल धड़ के, वो धड़कन मेरी हो, खुदा करे कि मेरे ब्रिलियंट में इतनी ताकत हो कि मार्क्स तेरी हो और नाम मेरी हो।
एक मार्क्स ही ऐसा चीज है कि वहां से आपको दिशा को बदल देगा। मार्क्स का आपका होगा लेकिन नाम मेरा होगा कि हाँ इस कोचिंग में पढ़े थे, इतना नंबर लाए, हर साल ब्रिलियंट स्कूल टॉपर से 20 नंबर 15 नंबर से छूटता जा रहा है। इस बार हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूरत से ज़्यादा मेहनत कीजिए कि अब की बार हम लोग बरकरार उस लक्ष्य को पाए। इस बार की सबसे कहने का मतलब है कि मैं एक